हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपके अमेज़न पे बैलेंस में काफ़ी सारा अमेज़न पे बैलेंस पड़ा हुआ है, फिर चाहे वो गिफ्ट कार्ड का बैलेंस ही क्यों ना हो, तो इस वीडियो से आप बड़ी आराम से उस अमेज़न पे बैलेंस को या फिर अमेज़न पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। नॉमिनल से आपको चार्ज लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्री की अभी कोई भी ट्रिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर नॉमिनल मतलब काफ़ी नॉमिनल चार्ज ही लगेंगे। तो वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इसके साथ ही मैं आपको 5% एक्स्ट्रा कैशबैक की ट्रिक बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में भी लेंगे, आपको 5% का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर तरह की लूट की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अमेज़न पे बैलेंस को किस तरह से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए अमेज़न पे बैलेंस ऐड करके 5% का कैशबैक किस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी दो ट्रिक है। पहली ट्रिक तो है, अगर आपके पास SBI कैशबैक कार्ड है तो आप SBI योनो गिफ्टर पे जाइए, अमेज़न का गिफ्ट कार्ड वहां से परचेज कीजिए, आपको आपके SBI कैशबैक कार्ड पे फ्लैट 5% का कैशबैक मिल जाएगा। 10,000 के अमेज़न गिफ्ट कार्ड वहाँ से परचेज कर सकते हैं। पहले वहाँ पे 2% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन अभी कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन 5% का कैशबैक आपको आपके SBI कैशबैक कार्ड पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से अमेज़न गिफ्ट कार्ड डायरेक्ट परचेज करके 5% का कैशबैक अभी अप्रैल के लास्ट तक ले सकते हैं, क्योंकि 1 मई से आपको ये 5% का कैशबैक गिफ्टर SBI योनो पे नहीं मिलेगा। तो 1 महीने में आप अभी ये कैशबैक ले सकते हैं, और अभी 1 महीने तक आप SBI कैशबैक कार्ड से 10,000 रुपये तक का कैशबैक कमा सकते हैं। मई के शुरुआत से आपको केवल 5,000 रुपये महीने तक का ही कैशबैक मिलेगा इस कार्ड पे। तो पहला तो ये तरीका हुआ, SBI योनो गिफ्टर से आप अमेज़न का गिफ्ट कार्ड परचेज करके SBI कैशबैक कार्ड से 5% का कैशबैक ले सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप कोई प्रोडक्ट अमेज़न से परचेज कीजिए, उसका पेमेंट SBI कैशबैक कार्ड से कर दीजिए, फिर उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए, और रिफंड आपको SBI कैशबैक कार्ड में यानी कि सोर्स अकाउंट में नहीं लेके अमेज़न के गिफ्ट कार्ड बैलेंस में लेना है, तब भी आपको 5% का कैशबैक आपके SBI कैशबैक कार्ड पे मिल जाएगा। तो इन दोनों तरीकों से दोस्तों आप SBI कैशबैक कार्ड को यूज़ करके 5% का कैशबैक अमेज़न गिफ्ट कार्ड परचेज करके ले सकते हैं। अब आपने ये अमेज़न पे बैलेंस में ऐड कर लिया, या आपका ऑलरेडी अमेज़न पे बैलेंस में कुछ पैसा है वो आप बैंक में लेना चाहते हैं, तो उसे कैसे लेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा, जिसका नाम है विंड्स। इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके मोबाइल नंबर ईमेल देके साइन अप कर लीजिए। ऐप को ओपन करते इस तरह की आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर में स्किप है, आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपके सामने इस तरह की होम स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको दोस्तों बिल पे का एक ऑप्शन दिखेगा, आप बिल पे पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको फास्टैग का ऑप्शन दिखाई देगा, फास्टैग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटर में आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों अभी तक अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो एक फास्टैग तो आपको बनवा लेना चाहिए। फास्टैग के कई सारे ऑफर्स आते रहते हैं, और फास्टैग के थ्रू कई बार आप बड़ी आसानी से अमेज़न पे बैलेंस को बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। पहले तो ईज माई डील के थ्रू आराम से हो जाता था, पर अभी ईज माई डील में अमेज़न पे का ऑप्शन हट गया है। लेकिन अगर आपके पास फास्टैग है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी सेम प्रोसेस से बैंक अकाउंट में अमेज़न पे बैलेंस ले सकते हैं। आप यहाँ देखिए, पहले भी मैंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग रिचार्ज किया है। आप ऑपरेटर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कई सारे ऑपरेटर आपको दिखाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक फास्टैग सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना व्हीकल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आपको दिखाने के लिए मैं 100 रुपीज़ एंटर कर रहा हूँ, प्रोसीड टू पे क्लिक कर रहा हूँ। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों 100 रुपये का फास्टैग रिचार्ज करने पे 102 रुपये 24 पैसे लग रहे हैं, यानी 2 रुपये 24 पैसे का मुझे एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, जो कि बैठता है 2.24%, जो कि एक नॉमिनल चार्ज है। इससे कम में आप कहीं भी किसी भी प्रोसेस से अमेज़न पे बैलेंस को बैंक में नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। नीचे आपको वॉलेट्स का ऑप्शन दिखेगा, वॉलेट्स को आप सेलेक्ट कीजिए, फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फिर से आपको वॉलेट पे क्लिक करना है। आप यहाँ देखिए अमेज़न पे एंड मोर, वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद कई सारे वॉलेट्स आ गए। अमेज़न पे का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, अमेज़न पे को मैंने सेलेक्ट किया, पे नाउ पे क्लिक किया, मैं अमेज़न पे रिडायरेक्ट हो गया।
जिस भी आपके अमेजोन पे अकाउंट में पैसे हैं उस नंबर से लॉगिन कर लीजिए। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया, 102 रुपये 24 पैसे मेरे अमेजोन पे बैलेंस से डिडक्ट होंगे। और यहाँ पे एक ऑफर भी है, 100 रुपीज करके 3 ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल सकता है, 5, 7, 10 रुपये कुछ भी, अप टू 100 रुपीज बता रहा है। तो मैंने ये देखिए पेमेंट कर दिया, मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ देखिए थैंक यू योर ट्रांजेक्शन हैज बीन प्रोसेस्ड, यू विल रिसीव ऑपरेटर कन्फर्मेशन सून, यानी कि कॉन्ग्रेट्स यू हैव वर्न 100 WRP फॉर दिस ट्रांजेक्शन और ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। मेरे पेटीएम वॉलेट में देखिए 100 रुपीज सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। और मेरे अमेजोन पे बैलेंस से भी आप यहाँ देखिए 102 रुपये 24 पैसे कटे हैं और 6 रुपये का मुझे इस ट्रांजेक्शन पे एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल गया। एक पेटीएम फास्टैग से आप 1 महीने में 10,000 रुपये तक का रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में पूरे 10,000 का रिचार्ज कभी मत कीजिएगा, 1,000-2,000 करके कीजिए, आराम से आपका रिचार्ज हो जाएगा। इन केस अगर आपका पेमेंट फेल भी होता है तो 4 से 5 दिनों में ये रिफंड आपके अमेजोन पे बैलेंस में वापस आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने अमेजोन पे बैलेंस, चाहे वो गिफ्ट कार्ड बैलेंस ही क्यों ना हो, विंड्स एप्लीकेशन के थ्रू पेटीएम फास्टैग रिचार्ज करके आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया SBI कैशबैक कार्ड के ट्रिक को यूज करके आप अमेजोन गिफ्ट कार्ड परचेज करके भी 5% का फ्लैट कैशबैक अपने SBI कैशबैक कार्ड पे ले सकते हैं, या फिर अमेजोन से आप कोई प्रोडक्ट परचेज करके उसे कैंसिल करके इंस्टेंटली उस बैलेंस को SBI कैशबैक कार्ड में लेने की बजाय अपने अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड बैलेंस में ले लीजिए और फिर इस तरह से रिचार्ज करके अपने बैंक अकाउंट में ले लीजिए, तो आपको फ्री के 5% का कैशबैक भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को एक लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।